मसीह यीशु वहां से निकलकर यहूदिया के उस क्षेत्र में चले गए जो यर्दन नदी के पार था। भीड़ फिर से उनके चारों ओर इकट्ठी हो गई। अपनी रीति के अनुसार मसीह यीशु ने एक बार फिर उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्हें परखने के उद्देश्य से कुछ फरीसी उनके पास आ गए। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या पुरुष के लिए पत्नी से तलाक लेना व्यवस्था के अनुसार है? मसीह यीशु ने ही उनसे प्रश्न किया, तुम्हारे लिए मोशे का आदेश क्या है? फरीसियों ने उन्हें उत्तर दिया, मोशे ने तलाक पत्र लिखकर पत्नी का त्याग करने की अनुमति दी है। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया, तुम्हारे कठोर हृदय के कारण मोशे ने तुम्हारे लिए ये आज्ञा रखी, किंतु वास्तव में सृष्टि के प्रारंभ ही से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। यही कारण है कि पुरुष अपने माता पिता से मोहबंध तोड़ देगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप अब वे दोनों दो नहीं परंतु एक शरीर हैं। इसलिए जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। जब वे दोबारा अपने घर आए शिष्यों ने मसीह यीशु से इसके विषय में जानना चाहा। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया, यदि कोई अपनी पत्नी से तलाक लेकर अन्य स्त्री से विवाह करता है वो उस अन्य स्त्री के साथ व्यभिचार करता है। यदि स्वयं स्त्री अपने पति से तलाक लेकर अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है वो भी व्यभिचार करती है। मसीह यीशु को छू लेने के उद्देश्य से लोग बालकों को उनके पास ला रहे थे। इस पर शिष्य उन्हें डांटने लगे। ये देख मसीह यीशु ने अप्रसन्न होते हुए उनसे कहा, बालकों को यहाँ आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों का ही है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान स्वीकार नहीं करता उसका इसमें प्रवेश संभव ही नहीं है। तब मसीह यीशु ने बालकों को अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया। मसीह यीशु अपनी यात्रा प्रारंभ कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकते हुए उनसे पूछने लगा, उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मसीह यीशु ने उससे कहा, उत्तम मुझे क्यों कह रहे हो? परमेश्वर के अलावा उत्तम कोई भी नहीं है। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही ना दो, छल ना करो, माता पिता का सम्मान करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं बाल्यावस्था से इनका पालन करता आया हूँ। युवक को एक टक देखते हुए मसीह यीशु का हृदय उस युवक के प्रति स्नेह से भर गया। उन्होंने उससे कहा, एक ही कमी है तुम्हें, जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्राप्त राशि गरीबों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा, लौट कर आओ और मेरा अनुगमन करो। ये शब्द सुनते ही उसका मुंह लटक गया। वो शोकित हृदय से लौट गया क्योंकि वो बड़ी संपत्ति का स्वामी था। मसीह यीशु ने अपने आसपास इकट्ठा शिष्यों से कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश कितना कठिन होगा। मसीह यीशु के इन विचारों से शिष्य चकित रह गए। एक बार फिर मसीह यीशु ने उनसे कहा, अज्ञानियों, कैसा कठिन होता है, कितना कठिन होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान के प्रवेश की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सरल है। ये सुन शिष्य और भी अधिक चकित हो गए और मसीह यीशु से पूछने लगे, तब उद्धार किसका हो सकेगा? उनकी ओर देखते हुए मसीह यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। पतरस मसीह यीशु से बोले, हम तो अपना सब कुछ त्याग कर आपके पीछे हो लिए हैं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम पर एक अटल सच प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे तथा सुसमाचार के हित में अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान या संपत्ति का त्याग किया हो। उसे इस युग में सताव के साथ प्रतिफल स्वरूप परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान तथा संपत्ति का 100 गुना तथा आने वाले समय में अनंत काल का जीवन प्राप्त ना होगा, किंतु अनेक जो पहले हैं अंतिम होंगे तथा जो अंतिम हैं वे पहले।
यरूशलेम नगर की ओर जाते हुए मसीह यीशु उन सब के आगे आगे चल रहे थे। शिष्य चकित थे तथा अन्य पीछे चलने वाले लोग डरे हुए थे। बारहों को अलग ले जाकर मसीह यीशु ने उन्हें बताना प्रारंभ किया कि स्वयं उनके साथ क्या क्या होना जरूरी है। हम यरूशलेम नगर को जा रहे हैं, वहाँ मनुष्य के पुत्र को प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। वे उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा प्रसारित करेंगे तथा उसे अन्य जातियों को सौंप देंगे। वे सब उसकी ठट्ठा करेंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और उसकी हत्या कर देंगे तथा तीन दिन बाद वो मरे हुओं में से फिर जीवित हो जाएगा। जेबिदियास के दोनों पुत्र याकोब तथा योहन मसीह यीशु के पास आकर विनती कर कहने लगे, गुरुवर, हमारी इच्छा है कि हम आपसे जो भी विनती करें आप उसे हमारे लिए पूरी कर दें। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? हमारी इच्छा है कि आपकी महिमा के समय हम आपकी दाईं तथा बाईं ओर में बैठें। उन्होंने विनती की। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें तो ये मालूम ही नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम में वो प्याला पीने की क्षमता है जिसे मैं पीने पर हूँ, या तुम में उस बपतिस्मा में बपतिस्मित होने की क्षमता है जिसमें मुझे बपतिस्मा दिया गया है? उन्होंने उत्तर दिया, अवश्य। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, वो प्याला जो मैं पीऊंगा तुम भी पियोगे तथा तुम्हें वही बपतिस्मा दिया जाएगा जो मुझे दिया गया है, किंतु किसी को अपने दाएं या बाएं पक्ष में बैठाना मेरा अधिकार नहीं। ये स्थान उन्हीं के लिए सुरक्षित है जिन्हें इनके लिए तैयार किया गया है। जब शेष 10 ने ये सब सुना तो वे याकोब और योहन पर नाराज हो गए। उन सबको अपने पास बुलाकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, वे जो अन्य जातियों में शासकों के रूप में जाने जाते हैं उनको दबाया करते तथा उनके बड़े अधिकारी उन पर अपना अधिकार दिखाया करते हैं, किंतु तुम्हारे विषय में ऐसा नहीं है। तुम में जो बड़ा बनने का इच्छुक है उसको तुम्हारा सेवक हो जाना जरूरी है। तुम में जो प्रथम होने का इच्छुक है उसको सबका दास हो जाना जरूरी है, क्योंकि स्वयं मनुष्य का पुत्र अन्यों से सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने तथा अनेकों के उद्धार के लिए फिरौती के रूप में अपने प्राण बलिदान करने आया है। इसके बाद मसीह यीशु यरीखो नगर आए। जब वो अपने शिष्यों तथा एक विशाल भीड़ के साथ यरीखो नगर से निकलकर जा रहे थे, उन्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति तिमाऊ का पुत्र बारतिमाऊ भीख मांगता हुआ मिला। जब उसे ये मालूम हुआ कि वो यात्री नाजरेतवासी मसीह यीशु है, वो पुकारने लगा, दाविद पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। उनमें से अनेक उसे पुकारने से रोकने की भरपूर कोशिश करने लगे, किंतु वो और भी अधिक पुकारता गया, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु ने रुककर आज्ञा दी, उसे यहाँ ले आओ। तब उन्होंने उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर उससे कहा, उठो, आनंद मनाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। अंधा व्यक्ति बाहरी वस्त्र फेंक उछलकर खड़ा हो गया तथा मसीह यीशु के पास आ गया। मसीह यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूँ रब्बी, अंधे ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, जाओ, ये तुम्हारा विश्वास है जिसके द्वारा तुम स्वस्थ हो गए हो। उसी क्षण उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई और वो उनके पीछे चलने लगा।